तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमामों का स्वागत है प्रेम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मंडे, नए वीक का शुरुआत, पहला दिन वीक का। आज की कहानी 23 साल पुरानी कहानी है, बात अक्टूबर 2000 की है। अक्टूबर का महीना था, पाकिस्तान के कराची शहर में कराची पुलिस एक मर्डर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, एक कत्ल की तफ्तीश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि एक घर पर कुछ सुराग मिल सकता है इस कत्ल के सिलसिले में। पुलिस उस घर पर पहुंची, वहां और तो कोई मिला नहीं। पुलिस को कुछ चीज़ें मिली, उनमें एक वीडियो कैसेट था। पुलिस ने उस वीडियो कैसेट को अपने कब्जे में ले लिया और बाकी जो भी चीज़ जिस पर उससे शक हुआ। अब वीडियो कैसेट लेकर पुलिस आई, उसने उसे प्ले किया। उसे लगा कि कत्ल के केस में कुछ ना कुछ मदद मिलेगी इस कैसेट के ज़रिए, इसमें कोई सुराग होगा। लेकिन जब पुलिस ने उस वीडियो कैसेट को प्ले किया तो पुलिस हैरान रह गई। उस वीडियो में एक ताबूत था, एक ताबूत को शूट किया गया और ताबूत के अंदर एक लाश थी। गौर से देखा तो कराची पुलिस को लगा कि ये आम लाश नहीं है, ये तो मम्मी है। मम्मी के बारे में हम सब जानते हैं, इजिप्ट में किस तरीके से मम्मी को सहेज कर रखा जाता है। अब कराची पुलिस बड़ी हैरान कि पाकिस्तान में एक ताबूत में एक मम्मी, ये कहाँ से आई। अब पाकिस्तान या भारत जैसे देशों में मम्मी का कोई मतलब तो होता नहीं है। अब कत्ल की तफ्तीश पुलिस कर रही है और वीडियो कैसेट में एक ताबूत और एक मम्मी दिखाई दे रही है, वो भी एक लड़की की। पुलिस चौंकी, उधर उस कत्ल के बारे में कोई सुराग मिल नहीं रहा। अब पुलिस ने कहा कि चलो सुराग ढूंढने के लिए जिस भी शख्स ने इस वीडियो कैसेट को बनाया, इसको शूट किया, उसका पता लगाते हैं। अब वो VHS के थ्रू, वो जो कैसेट था, पुलिस कराची के ही एक वीडियो पार्लर तक पहुंची। वहां एक शख्स मिला जिस शख्स ने इस वीडियो को शूट किया था, किसी और के कहने पर। पुलिस ने उस शख्स को पकड़ा और बोला कि ये वीडियो मिला है और इसको तुमने शूट किया है। उसने कहा हाँ। उस शख्स का नाम था अली अकबर। अब अली अकबर कराची पुलिस के शिकंजे में, और कराची पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि ये ताबूत और इस ताबूत के अंदर रखी राश या फिर मम्मी, इसका राज क्या है। तो अली अकबर पुलिस को बताता है कि असल में ये मम्मी जो है, उसे बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में वहाँ के एक लोकल सरदार से मिला है, ऊँटों के एक कारोबारी, और वो वहाँ के एक लोकल सरदार टाइप से हैं अपने कबीले में, और उनका नाम है वली मोहम्मद रिकी। तो वली मोहम्मद रिकी से ये मम्मी मिली और मतलब उन्होंने ही ये शूट करवाया था और मैंने शूट किया है। अब कराची में जिसने शूट किया, पुलिस उसके पास कब्ज़े में, अली अकबर। अब अली अकबर ने दूसरा नाम बताया, बलूचिस्तान के क्वेटा में एक ऊँटों के सरदार कारोबारी वली मोहम्मद रिकी। अब कराची पुलिस की एक टीम क्वेटा पहुँची। क्वेटा पहुंचने के बाद वली मोहम्मद रिकी के घर पे गई, दबिश डाली और इत्तफाक से उनके घर पर एक ताबूत मिला, सेम वही ताबूत जो वीडियो में दिखाया गया था। पुलिस ने ताबूत खोला, पुलिस चौंक उठी, अंदर वही मम्मी ताबूत के अंदर। अब पुलिस ने कहा ये क्या मामला है, पाकिस्तान के अंदर एक मम्मी कैसे। अब वली मोहम्मद रिकी से पूछताछ की गई। वली मोहम्मद रिकी ने कहा कि ये ताबूत और ये मम्मी उसे शरीफ शाह बाकी नाम के एक शख्स ने दिए। अब ये तीसरा शख्स कौन, तो पता चला कि ये एक ईरानी है, ईरानी सिटीज़न, और उसने दिया। और उसने ये बताया था कि ईरान में एक भूकंप आया और भूकंप के बाद कई जगह खुदाई हुई और उसी खुदाई में ये मम्मी निकली। और ये मम्मी जो है ईसा से करीब 600 ईस्वी पहले की है, 2600 साल, 2600 ईयर बैक कि ये मम्मी है। अब कराची पुलिस ने कहा ये क्या मामला है, एक कत्ल की तफ्तीश करते करते वो कहाँ 2600 साल पुरानी एक लाश के चक्कर में पड़ गई। लेकिन अब शरीफ शाह बाकी, वो चूंकि ईरानी था, उसे तो गिरफ्तार किया नहीं जा सकता था। दो लोग कराची पुलिस के कब्जे में थे, एक अली अकबर और दूसरा वली मोहम्मद रिकी। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके कराची लाती है और इनके ऊपर अलग अलग सेक्शन में जो धाराएं बनती हैं पुरातत्व अधिनियम के तहत, वो
आर्कियोलॉजिकल, तो उसके तहत उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। अब जेल भेजने के बाद कराची पुलिस का मामला वही है कि एक मर्डर की तफ्तीश कर रही, वो तो हुआ नहीं, उल्टे एक और लाश गले पड़ गई और वो लाश भी ऐसी वैसी नहीं। तो जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो वली मोहम्मद रिकी ने बताया कि ये करीब 2600 साल पुरानी लाश है, एक ममी है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत उस वक्त करीब $11 मिलियन, लगभग पाकिस्तान के 60 करोड़ रुपये, उसने जो बताया 2000 में, तो 60 करोड़ रुपए की एक लाश। अब कराची पुलिस के आला अफसरों से ये बात होते होते पाकिस्तानी मिनिस्ट्री में पहुंची और फिर वहाँ के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बड़े बड़े जो लोग थे अफसर, उन तक पहुंची। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि ये क्या, पाकिस्तान में 2600 साल पुरानी एक ममी, क्या बात है। अब कराची पुलिस का उस ममी से तो कोई लेना देना था नहीं, ना उसको इतनी तमीज़ या तजुर्बा कि उसकी कैसी जाँच की जाए। तो आखिरकार ये तय हुआ कि पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उनकी, तो उनके एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान में, अहमद हसन दानी, ये पाकिस्तान में इनका नाम है इस आर्कियोलॉजिकल के फील्ड में, पुरानी चीज़ों को खोदने और खंगालने में। तो ये हुआ कि ये ममी अब उनके हवाले की जाए, क्योंकि ये ममी 2600 साल पुराना है, एक इतिहास है अपने आप में, हिस्ट्री है, तो वो पता करेंगे। आखिरकार कराची पुलिस ने ये 2600 साल पुरानी ममी सौंप दी। अब इधर इस ममी की खबर पाकिस्तानी मीडिया में आ गई और ये हुआ कि कराची पुलिस एक कत्ल की तफ्तीश कर रही है और उसके हाथ एक ममी लगी है। अब जैसे ही ये पता चला कि ये ममी बहुत पुरानी है, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसके ऊपर अपनी जो पूरी रिसर्च थी उन्होंने शुरू की। जो अहमद हसन दानी थे उन्होंने जब इसकी जांच की तो जो चीज़ पाई, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जैसे मिस्र में ममी बनाई जाती थी, ये वैसी ही ममी है। ममी को एक लकड़ी के ताबूत में रखा गया है और ताबूत में रखकर दफनाया गया था, और उसके बाद उस ताबूत को पत्थर से बने एक और ताबूत से दफनाया गया था। तो पहले ममी को लकड़ी के ताबूत में रखा गया, फिर दफनाया गया, फिर उसके ऊपर एक पत्थर का ताबूत बनाया गया, फिर उसको भी दफनाया गया, और पत्थर के ऊपर, जो ताबूत के ऊपर पत्थर था, उस पर हज़ारों साल पुरानी भाषा लिपि में कुछ लिखा हुआ था। आमतौर पर सारी ममीज में ऐसी लिखी होती है। और साथ ही एक देवता का चित्र बना हुआ था, जो मिस्र की ममी हो तो उसमें ऐसे ही होता है, और वो जो दिन देवता की तस्वीर बनी हुई थी उनका ताल्लुक या उनका कनेक्शन पारसी रिलीजन से था, पारसी धर्म से था। और अहमद हसन दानी ने अपने रिसर्च के बाद ये बताया कि इस ममी की उम्र करीब 2600 साल पुरानी है, मतलब ये जो लड़की है ये 2600 साल पुरानी है, और ईसा से 600 साल पहले इसको दफनाया गया था। अब लेकिन ये सवाल था कि ये ममी है किसकी, 2600 साल पुरानी है, वो भी पाकिस्तान तक आ गई। तो इसके ऊपर भी पूरा रिसर्च किया पाकिस्तान में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो जब उन्होंने पाया उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, उससे उन्होंने बताया कि ये फारस यानी कि अब का जो ईरान है, ईरान के एक बड़े महान और एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे जर्सीस, उनकी बेटी की ममी है जिसका नाम रुडुगुल था। तो एक तरह से ईरान की शहजादी की ये ममी थी। अब जब उनकी ये खोज और सारी रिसर्च सामने आई, मीडिया में खबर फैली, तो हंगामा हो गया कि पाकिस्तान में एक 2600 साल पुरानी ममी, वो भी एक ईरान की शहजादी की। अब जैसे ही ये खबर आई, अपने आप में एक इतिहास था, हड़कंप मच गया। हुआ ये कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर लड़ाई शुरू हुई। बलोच के क्वेटा से ये मिली थी एक सरदार के पास से, जिसका नाम था वली मोहम्मद रिकी। तो बलोच के लोगों ने, बलोच के जो पूरे प्रांत के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये कराची वाले ले गए, ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। अब जहाँ से ये मिली वहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान ने क्लेम कर दिया है कि इस ममी का हमसे ताल्लुक है, जिन लोगों ने कब्र खोद कर ये ममी निकाली उनको हमने पकड़ रखा है, ये हमारे रास्ते से गया, इस पर हमारा हक है, हमें दो। उधर जब पता चला कि ईरान की ये शहजादी है, तो ईरान बीच में आ गया। ईरान तो बाकायदा इंटरपोल तक पहुँच गया और उसने कहा ये ममी हमारी धरोहर है, इसको हमें सौंपा जाए, इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। तो तीन देश आपस में लड़ गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इसके अलावा पाकिस्तान के खुद बलूच और सिंध प्रांत में भी लड़ाई हो गई कि इस ममी पे किसका हक है। अब चूंकि वो ईरान की एक शहजादी का नाम आ रहा था, तो मामला और तूल पकड़ गया। अब
ये सारा झगड़ा चल रहा था, इसी के बाद तय हुआ, पाकिस्तान सरकार ने तय किया कि एक बहुत बड़ी चीज़ हाथ लगी है, तो ये हमारे टूरिज़्म को, बाकी चीज़ों को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि मम्मी देखने वाले दुनिया में लाखों शौकीन हैं, खासतौर पर मिस्र तक जाते हैं। तो ये तय हुआ कि पाकिस्तान के जो नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ पर इस मम्मी को रखा जाएगा, और ताकि इसको देखने के लिए लोग आएँ। तो अब पाकिस्तान के नेशनल म्यूज़ियम में इस मम्मी को संभाल कर रखना है। लेकिन जब भी आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं तो आपने देखा होगा उस म्यूज़ियम में जो भी चीज़ होती है उसकी डिटेलिंग होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी होती है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, हर एक चीज़। तो अब यहाँ ये था कि एक आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने अपना रिपोर्ट तो अपनी दे दी, 2600 साल पुरानी है, फारस यानी ईरान की शहज़ादी की है, लेकिन ये वाकई कब, कहाँ की, कैसे, क्या, उसकी फिर डिटेलिंग आपको म्यूज़ियम में उस मम्मी को रखने से पहले और भी दी जानी थी। तो इसके लिए अब जो डिटेलिंग करनी थी, तो ये तय हुआ कि मम्मी वाकई कितनी पुरानी है, इसकी हाइट कितनी है, किस तरह की है, जो सारी बातें लिखी हैं वो भाषा कौन सी है। तो इन सब के लिए ज़रूरी था कि अब इस मम्मी के ऊपर टेस्टिंग हो, इसकी पड़ताल की जाए। और यहीं जब पड़ताल की बात आई, तो फिर एक ऐसा खुलासा हुआ कि जिस मम्मी के लिए ईरान से लेके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अपने बलूचिस्तान और सिंध सारे लड़ रहे थे, पाकिस्तान सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इसका पूरा एक तरह से टेस्टिंग परीक्षण होना था इस मम्मी का, ताकि इसकी सही उम्र, सही आकार, सारी चीज़ें, इसका कनेक्शन सब निकालना था। तो अब उसके लिए फिर इसको पाकिस्तान के एक नामी हॉस्पिटल में ले जाया गया, ताकि वहाँ इसकी रेडियो एक्टिव टेस्टिंग, कार्बन डेटिंग, उम्र उम्र ये सब पता लगाने के लिए टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इसको ये सारी चीज़ें किया जाए। तो अब उससे पहले इस मम्मी को ले जाकर म्यूज़ियम में रख दिया गया। म्यूज़ियम में रखने के बाद अब डॉक्टरों और हॉस्पिटल से ये सारी तैयारियाँ चल रही हैं। अब जब म्यूज़ियम में रखा गया मम्मी को, तो ये था कि जितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है कमरे में, किसी घर में आप एसी भी चलाते हैं तो 18, 20, 22 ऐसे ही रखते हैं, 24, तो उस नॉर्मल टेम्परेचर में इस मम्मी को रख दिया गया उस म्यूज़ियम में। फिलहाल इसके ऊपर टेस्टिंग होनी थी। अब जब नॉर्मल उसमें रख दिया गया, 3-4 दिन के अंदर अचानक म्यूज़ियम के स्टाफ ने महसूस किया कि मम्मी से कुछ बदबू आ रही है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा कि यार मम्मी से 2600 साल पुरानी मम्मी और उसमें से कैसी बदबू आ रही है। तो जब वहाँ के इंचार्ज और बाकी जिम्मेदार लोगों ने चेक किया, तो उन्हें लगा कि वाकई मम्मी से बदबू आ रही है। उन्होंने फ़ौरन अपने आला अफसरों को खबर दी। इसके बाद ये हुआ कि इसको फ़ौरन अस्पताल भेजा जाए, इतनी पुरानी करोड़ों रुपए की मम्मी ख़राब ना हो जाए। तो पाकिस्तान के आगा खान अस्पताल इस मम्मी को शिफ्ट कर दिया गया और कहा कि इसको फ़ौरन भैया आप टेस्ट करो और इसको ठीक ठाक करो। अब आगा खान अस्पताल में इस मम्मी की टेस्टिंग शुरू हुई। सबसे पहले जैसी टेस्टिंग शुरू हुई तो पहला धक्का लगा, पता चला कि मम्मी के सीने में दिल ही नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? फिर ये बात आई कि नहीं, ये हो सकता है। बहुत सारे मिस्र में ऐसी मम्मी आई जिनकी कहानियां हैं कि जब उनको मम्मी बनाया जाता है ऐसी लाशों को, तो उनके दिल निकाल लिए जाते हैं। उसके पीछे मान्यता ये थी कि ये दिल ही है जो आपको फिर तमाम भूत प्रेत या अपशगुन साए उन सब के रास्ते आपको कहीं और ले जाता है। तो जब दिल ही नहीं होगा तो उन सारी बुरी नज़रों से और सारी चीज़ों से आप बते रहेंगे, क्योंकि दिल में आत्मा का एक तरह से घर होता है, तो इसलिए दिल निकाल कर रख देते हैं। तो पहले ये जगी उम्मीद आगा खान हॉस्पिटल में जो लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं अभी इस मम्मी की, कि चलो ये हो सकता है, क्योंकि इतिहास में भी उन्होंने पढ़ा है, तो दिल इसीलिए निकाल दिया होगा। लेकिन अब इसके बाद उन्होंने उम्र का पता करने के लिए बाकी चीज़ें जब टेस्ट की, तो पता चला 2600 साल तो बहुत पुरानी बात है यार, ये तो 26 साल पुरानी भी नहीं है, मतलब ईसा के 600 ईयर्स पूर्व की बात बताई जा रही है। 2600 ईयर्स अगो 2600 साल पुरानी मम्मी बताई जा रही है। लेकिन हॉस्पिटल में जब टेस्ट हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो पता चला कि ये सिर्फ 26 साल भी पुरानी नहीं है, बल्कि ये मुश्किल से कुछ साल पुरानी है। अब पूरा स्टाफ हॉस्पिटल का,
उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह है क्या, और फिर एग्जैक्ट ये हुआ कि अब इसका पता किया जाए कि भैया ये कितनी पुरानी है। तो जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि इस लड़की की डेथ इस पोस्टमार्टम से करीब 4 साल पहले हुई, 2000 में ये पोस्टमार्टम हुआ था। और पोस्टमार्टम से तो आप पता कर ही लेते हैं सब कुछ कि मौत की लगभग कितना होता है, कुछ घंटे या 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो पता चला इस लड़की की मौत 1996 में हुई थी और तब इसकी उम्र 21 से 22 साल रही होगी। ये भी बताया गया कि इसकी उम्र 21-22 साल होगी, इसकी मौत 1996 में हुई थी। इसके सर पर चोट के निशान थे, इसका मतलब है कि इसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी। अब इसके आगे और कोई जानकारी नहीं मिली। अब ये एक अजीब सी सच्चाई सामने आई कि ये 2600 साल पुरानी ममी 1996 में कत्ल की गई एक लड़की की, जिसकी उम्र 21-22 साल है, 1996 में उसका मर्डर हुआ है। तो ये कोई ममी नहीं है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, यानी कि कत्ल हुआ था। अब सारा मामला उल्टा पड़ गया। जिन्होंने पहले दावा किया था 2600 साल जो पाकिस्तान के ही थे, वो सब शर्मिंदा हो गए। अब जैसे इधर ईरान, अफगानिस्तान, उधर क्वेटा, बलोच सबको पता चला, वो भी मुस्कुरा रहे। अब यहाँ पाकिस्तान सरकार की फजीहत भी हो गई, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी फजीहत हो गई। तो खैर अब कहा गया कि छट चलो, जिस अभी तक मम्मी को सहेज कर रखा गया था कि करोड़ों रुपए की इसकी कीमत है, हालांकि मम्मी खरीदना बेचने पे तो रोक है, लेकिन बहुत सारे दुनिया में इस तरह के लोग हैं इंटरनेशनल में मार्केट में कालाबाजारी करने वाले। तो अब मम्मी की जैसी सच्चाई सामने आई कि ये किसी शहजादी की नहीं, किसी 2600 साल पुरानी नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ साल पुरानी 1996 में पाकिस्तान में एक लड़की का कत्ल हुआ, तो सवाल ये है कि फिर ये ऐसा हुआ कैसे। अब जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये जो ईरान में शख्स था जिसने शरीफ शाह बाकी, ये क्वेटा में रहने वाले वो जो सरदार ऊँटों के जिनका बिजनेस था, कबीले के सरदार थे, उनकी और उसके बीच में एक दिन बातचीत हो रही थी, दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो वली मोहम्मद रिकी और ये ईरानी शरीफ शाह बाकी, ये दो लोग थे इस पूरी साजिश के असली कर्ता धर्ता। उन्होंने एक लाश हासिल की, लेकिन कहाँ से इसके ऊपर अभी भी पर्दा है। पर किया ये गया, जो अब तक की पूरी जांच और जो पोस्टमार्टम हुई उसके बाद, उसमें यह है कि एक लाश ली गई। अब उसमें दो चीज़ें आ रही हैं कि लाश शायद कब्र से भी निकाली गई है। कब्र से लाश निकालने के बाद उसके बालों को कलर किया गया ताकि बहुत पुराना लगे, उसकी बॉडी पे उस तरीके से लेप लगाए गए जो शहद, और फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ें, और वो सारी चीज़ें करने के बाद कुछ ऊट पटांग टाइप के सारी वो लिपि पुराने ज़माने की लिखी गई। जैसा आपको याद होगा बाहुबली अपने फिल्म देखी, उसमें एक वो डायलॉग है उसका जो समझ में नहीं आता है, तो वो दिखाना था कि पुरानी भाषा है। तो ये सारी चीज़ें, वो सारी तस्वीर इस तरह से दी गई कि ये लगे कि एक मम्मी है, और उसके बाद उसी तरीके से एक ताबूत एंटिक टाइप सब कुछ करके ये दिया गया। लेकिन जो खुद चूँकि दो ही लोग कब्जे में थे पाकिस्तान पुलिस के, एक क्वेटा के वली मोहम्मद रिकी और एक दूसरा अली अकबर, अली अकबर ने सिर्फ वीडियो बनाया। वली मोहम्मद को ये पता ही नहीं था कि असली है कि नकली है, उनको तो पीछे से दिया गया और कहा गया ये बहुत महंगा है, करोड़ों में डील होगी, तो आधा आधा पैसे बांटेंगे, बस उसे इतना पता है, इसके आगे उसे कुछ पता नहीं। और जो अब ईरानी शख्स है वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आया, तो बाकी सच्चाई पता नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आ गया कि ये लड़की कौन है। पहली चीज़ तो ख़त्म हो गई, ये मम्मी नहीं है। अब इस मम्मी की बदकिस्मती देखिए, जब सच्चाई आई कि ये कौन सा 2600 साल पुराना है, ये तो हाल की है, ये तो बेवकूफ़ बनाया गया। तो मम्मी ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ईदी ऑर्गेनाइजेशन करके पाकिस्तान में, वहाँ के मुर्दा घर में रखी रही 2000 से लेकर 2008, अगले 8 सालों तक। ये ईदी फाउंडेशन वही है, आपको याद होगा बहुत पहले एक पाकिस्तान से एक बच्ची आई थी जो ठीक से बोल बोल नहीं या सुन नहीं पाती थी, गीता नाम की, जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी तब वो लेकर आए। तो उस गीता को भी इसी ईदी ऑर्गेनाइजेशन ने, ये एनजीओ है, पनाह दी और उसने ही गीता को ढूंढ कर यहाँ तक भेजने का काम किया था। तो 8 सालों तक मम्मी के नाम पर कत्ल की गई, चूँकि गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी,
इस लड़की को अपने ही अस्पताल के मुर्दा घर में रखा रहा और फिर उन्हें लगा कि इससे बहुत खर्च पड़ रहा है, बाकी जगह भी गिर रही है। 2008 में आखिरकार, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में कहा गया था एक वक्त में करीब 60 करोड़ रुपए की ममी है, लावारिस हालत में ईदी फाउंडेशन ने एक कब्रिस्तान में दफनाया, मौत के 8 साल बाद 2008 में। अब सवाल यह है कि क्या उसे दूसरी बार दफनाया गया, क्योंकि दो चीज़ें हैं इस चीज़ को लेकर। कराची पुलिस एक तो उस कत्ल के बारे में जिसकी तफ्तीश शुरू की थी और ये वीडियो कैसेट आता है और फिर मम्मी की कहानी आई, वो कत्ल सुलझ नहीं पाया अभी भी। दूसरा, जब ये इस लड़की की अब कहानी सामने आई कि गर्दन की हड्डी टूटी हुई 1996 में इसका कत्ल हुआ है, इस लड़की के कत्ल की कहानी छोड़िए, इस लड़की की आइडेंटिटी क्या है, कौन थी है? ये आज भी 2023 है और ये 23 साल हो गए, आज भी पाकिस्तान या कराची पुलिस इस सच्चाई को बेनकाब नहीं कर पाई है कि वो लड़की कौन थी, उसका कत्ल किसने किया, क्या लाश कब्र से निकाली गई, क्या कातिलों ने लाश को दफना दिया, या फिर कुछ और कहानी है। तो आज भी उस जिस लड़की को मम्मी बनाकर पेश किया गया उसकी सच्चाई वैसी राज बनी हुई है। जिस मम्मी को, एक फर्जी मम्मी को एक तरह से पाकिस्तान में पेश किया गया, उस मम्मी की भी असली कहानी यहाँ के ख़त्म होती है कहाँ पर, वो भी एक राज है। लेकिन हाँ, इसे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी उस वक्त। तो ये थी कहानी उस मम्मी की, जो कभी बहुत अनमोल थी और आखिर में अंजाम ये था कि उसको लेने वाला कोई नहीं था, उसको दफनाने वाला कोई नहीं था, और एक एनजीओ को उस अनमोल मम्मी जिसे कभी कहा गया था उसको दफनाना पड़ा, वो भी 8 साल तक इंतज़ार करने के बाद। 8 साल बाद उसे दफना दिया गया, लेकिन अब भी उस लड़की की सच्चाई, उसका कत्ल क्यों, कैसे, वजह क्या थी, किस फैमिली को बिलोंग करती थी, ये सारी चीज़ें एक राज हैं। और शायद मम्मी का हुआ इतना ज़्यादा था कि कराची पुलिस को लगा कि ये मामला इतनी सीरियसली जांच करने की है भी नहीं, और यही वजह है शायद जांच नहीं की। वरना मुझे लगता है इस केस को अगर जांच करते तो पता नहीं इसमें और कौन सी कहानी निकल कर सामने आती। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज कबीर खान, इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कबीर, और ये मकबूल खान और पूजा, इन दोनों ने भेजा है, और मकबूल खान एक सोल्जर हैं, सिपाही हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा श्रवण पटरे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रवण। और मोक्ष अश्वम ने भेजा है। पूजा मिश्रा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और ये संतोष मिश्रा जी ने भेजा, उनकी पत्नी हैं। प्रवीण पटेल, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रवीण जी, एंड ऑल द बेस्ट, आप जल्दी रिकवर करें, आपकी सर्जरी हुई है। और प्रवीण जी की वाइफ हैं संध्या पटेल, उन्होंने ये भेजा है बोस्टन से, एंड थैंक यू सो मच इनवाइट के लिए संध्या जी आपका। और प्रवीण जी, आप फटाफट बस ठीक हो जाएं। इसके अलावा साहिब जीत सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साहिब जीत। एंड करमजीत सिंह जी ने भेजा, उनके बेटे हैं ये। सौम्या साहू का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सौम्या। और रानी साहू और मंडी दीप ने भेजा है। इसके अलावा पूजा शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये गणेश शर्मा जी की सिस्टर हैं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, पहले ये भूल गए थे। ऋषि प्रधान, इन्होंने एल्विश प्रधान की कहानी सुनने की फरमाइश की है। इसके अलावा हारून शेख, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। सुजीत सिंह गौर, इनका सवाल है, शायद मैंने पहले जवाब दिया था कि इनके हिसाब से इनको खबर मिली है कि सीमा जो पाकिस्तान से आई है वो प्रेग्नेंट है, और अगर उसको डिपोर्ट नहीं किया जाता और इंडिया में ही वो बच्चा पैदा कर देती है तो फिर उस बच्चे की नागरिकता क्या होगी। तो जब तक देखिए उसको सिटीजनशिप नहीं मिल जाती है, और या उसको डिपोर्ट करने की बात है, तो अगर डिपोर्ट करने की तैयारी है तब वो बिल्कुल इंडियन नहीं होगा, और डिपोर्ट नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है, तो ऐसे में अगर वो बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है तो हो सकता है उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाए, लेकिन बहुत क्लियर नहीं हूँ मैं अभी। शीतल तिलेकर, थैंक यू सो मच, ये मुंबई से हैं, और मैंने मजाक किया था शीतल जी कि मैं पबजी खेलना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी वक्त कहाँ मिलता है, लेकिन आपने जो भी लिखा अच्छा था, थैंक यू। वरुण कुमार, नमस्ते। इसके अलावा महेंद्र सिंह बिदवात, थैंक यू सो मच आपका। अल्तमश बेग, थैंक यू सो मच, काफ़ी दिनों बाद आपने मेल किया। जोसेफ शाह, ये नॉर्वे से हैं, और इनका कहना है कि जो
सिंगापुर की शायद कहानी पे उन्होंने मेंशन किया कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो असल में क्रिमिनल नहीं, एक तरह के मरीज होते हैं, तो मरीजों को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। सुमित देवनाथ, ये इनकी अपनी ज्वेलरी शॉप है, इन्होंने लिखा है, वो मुझे लगता है कि उसी सिंगापुर स्टोरी से रिलेटेड है, कि 3100 ग्राम 2 तोला और 10 आना होता है गोल्ड में, तो अगर इस हिसाब से या ड्रग्स में भारत में ये होता तो इसके लिए क्या सज़ा होती। तो 3100 ग्राम नहीं था वो, सुमित देवनाथ जी, सिर्फ 31 ग्राम की बात थी। नीना सूरी, और इन्होंने भी सिंगापुर स्टोरी के बारे में कहा, और कहा है कि ये शायद सिंगापुर में ही रहती हैं, कि यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है कानून तोड़ने पर। तो फिलहाल आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।